दिल्ली एनसीआर के मौसम ने अचानक से करवट जो है वो ली है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौसम विशेषज्ञ कुलदीप श्रीवास्तव सर हैं। सर, मौसम ने जिस तरीके से अचानक से करवट ली है, पहली बार देखने को मिल रहा है आखिरी हफ्ते से लेकर के मई की अब ये शुरुआत है और इस तरीके से बारिश हो रही है। देखिए, जो इस समय हमारे बारिश हो रही है वो मुख्यतः आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव स्टार्ट हुआ है उसके चलते हो रही है, लेकिन अभी बीते दिनों में देखेंगे कि हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव चल रहा था जो कि लास्ट 3 दिनों तक इफेक्ट था और उसमें हमारे पास हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई थी। आज दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास इफेक्ट कर रहा है तो उसके चलते दिल्ली एनसीआर में हमारे पास बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है और हवाओं की स्पीड लगभग 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। साथ में देखेंगे कि हमारे पास हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है तो दोनों के चलते ये एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में हो रही है। बारिश जिस तरीके से हो रही है ऐसा लग रहा है कि मॉनसून की तरह ही बारिश हो, क्या इसको क्या माना जाए सर? नहीं देखिए, ये चूंकि हमारे पास इस समय समर सीजन चल रहा है और इस समय की जो बारिश है इसमें मानसून की बारिश को हम लोग इसमें नहीं बोलेंगे, ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो प्री मानसून सीजन में होती है उस तरह की एक्टिविटी है। लेकिन चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हमारे पास मॉइस्चर लेके आया हुआ है, साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, दो फैक्टर के दो सिस्टम के मिल जाने की वजह से ये एक्टिविटी हमारे पास इंटेंस एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो रही है। सर, अभी कितने दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बने रहने की उम्मीद है, लोगों को कब तक इसी तरीके से राहत मिलेगी? देखिए, आज और कल हमारे पास मुख्यतः इस तरह की एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी और परसों थोड़ी सी कम हो सकती है और इसके लिए हमने येलो अलर्ट भी दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया हुआ है। हालांकि देखेंगे कि हमने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे कि पहाड़ों पे आपके पास हैवी रेनफॉल होगी और मैदानी इलाकों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होगी हमारे पास और साथ में देखेंगे कि कुछ जगह पर हेल स्टॉर्म भी इन राज्यों में हो सकता है। उसके बाद एक बार फिर से गर्मी जो है वो आएगी दिल्ली एनसीआर। हाँ देखिए, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है इसका प्रभाव मुख्यतः हमारे पास 3 तारीख तक रहेगा, 4 में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, क्लाउडीनेस रहेगा, लेकिन 4 तारीख के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्लाउडीनेस कम हो जाएगा, रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी और टेम्परेचर बहुत तेजी से हमारे पास बढ़ेगा, जो आप देख सकते हैं कि 6-7 तारीख में फिर से बढ़कर के 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए कुलदीप श्रीवास्तव सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मौसम ने जिस तरीके से अचानक से करवट ली है पश्चिमी विक्षोभ उसका सबसे बड़ा कारण है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट तमाम हिस्सों के अंदर ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है।